हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर एट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इससे पहले हम चैप्टर नंबर सेवन फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी अगर किसी ने ना स्टार्ट किया हो तो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और रिलेटेड टू यू पी जितनी भी बुक हैं उनकी सबकी बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी अगर किसी को देखनी है तो आप वहाँ से जाके भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनोमिनेटेड इन द पार्ट फोर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ जो जैसे कि स्टेट अपनी पॉलिसीज को बनाती है ठीक है जितने भी लोग जितना भी इनका लेजिस्लेटिव का काम होता है किसी भी नए लॉ को या किसी भी नई पॉलिसी को बनाने बनाते टाइम इनको कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है ठीक है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हीं बातों को आ, ध्यान रखने के लिए इसको बनाया गया है डीपीएसपी को पार्ट फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको डाला गया है और ये कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल थर्टी सिक्स से लेके फिफ्टी वन तक द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया कहाँ से लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश देश आयरिस के संविधान से लिया गया है उन्नीस सौ सैंतीस के अंदर विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन अब आयरिश ने कहाँ से लिया था उन्होंने लिया था स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल एज ए नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको नॉवल फीचर बताया गया बोला गया है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स कंटेन द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहलाते हैं सोल कहलाते हैं उसकी आत्मा मतलब एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं और जो गर्विन ग्रैनविल ऑस्टिन है इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया गया किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब किसने क्या बोला ये थोड़ा सा ध्यान रखना कभी कभी इन पर स्टेटमेंट आ जाती है अभी थोड़े फीचर्स देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फीचर्स क्या क्या है द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स दैट आइडियाज़ दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई स्टेट को ये ध्यान में रखना है जितनी भी पॉलिसीज या फिर अपने लॉज को बनाते टाइम कि भाई कुछ पॉलिसीज़ हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको मद्देनज़र रखना है कोई भी अगर आप कोई नई पॉलिसी बनाओ या नया कानून बनाओ ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्टिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कि भाई स्टेट को अभी भी कोई भी लेजिस्लेटिव काम करे ठीक है कोई कानून बनाए या उसको लागू करे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव परपज़ के लिए कोई भी मैटर लेके आए तो उन उनके उस टाइम पे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा रिकमेंड करके इनको ध्यान में रख के आगे चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थर्टी सिक्स आर्टिकल छत्तीस के अनुसार द टर्म स्टेट इन पार्ट फोर हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट थ्री विच आर डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पे जो स्टेट नाम लिया गया है आर्टिकल छत्तीस में जो कि पार्ट फोर के अंदर है उसका मीनिंग सेम है जो कि पार्ट थ्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स से डील करता है मतलब एक तरह से ये फंडामेंटल राइट्स की तरह ही है लेकिन कुछ इनके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो हम इसी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं

मतलब कोई भी कानून बनाते टाइम क्या है ना इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं मतलब उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए और ये कहाँ पे इनमरेट थे किसके अंदर प्रेजेंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इन अदर वर्ड बी आर अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर इशूड टू गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनी ऑफ इंडिया बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कि भाई ये गवर्नर जनरल को इशू किए गए थे ठीक है और गवर्नर्स को इशू किए गए थे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सी एक्ट के अनुसार एक्ट ऑफ 1935। अब बात करते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट दे एम एट रियलाइजिंग दैट हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वल्टी एंड फ्रैटर फ्रैटर्निटी एज आउटलाइन इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई इनका मतलब क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह से क्या है ना देश के अंदर लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी इन चीज़ को मनाए रखने में क्या एक अहम आह, भूमिका निभाता है मतलब सब चीज़ों को एक साथ ले कर चल, लेकर चलने की कोशिश करता है और जिससे देश का या फिर देश का उद्धार हो वेलफेयर हो तो स्टेट हो ठीक है ना कि किसी कोई पुलिस की स्टेट हो कि जहाँ पे एक तरह से अंधा कानून चल रहा है ना जिनके पास पावर है वो लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनका लागू होना बहुत ज़रूरी है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट in इन नेचर दैट दे आर नॉट लीगली by the court फॉर their violation. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये है ना नॉन justiciable है नेचर के अंदर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स थे अगर उनका हनन होता है तो आप कहाँ पे जा सकते हो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो कौन से कोर्ट में जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी और आ, हाई कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओगे तो कौन सा आर्टिकल लगेगा आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जाओगे तो आर्टिकल 226 के उसमें जाओगे वो में जाओगे ठीक है ना लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं अगर सरकार इनको लीगली मतलब इनको नहीं डालती है किसी भी पॉलिसी के अंदर किसी भी पॉलिसी को लागू करने से पहले इनको नहीं ध्यान में रखती है तो आप कोर्ट में जाके नहीं खड़े हो सकते कि इनका वायलेशन हुआ व इनको लागू करवाओ तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा उसको नहीं मानेगा क्योंकि ये नॉन जस्टिसबल नेचर के हैं देर फॉर द गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल स्टेट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता कि आपको ये लागू करने ही करने हैं लेकिन एक तरह से इनकी ये मॉरल ड्यूटी भी है कि इनको ध्यान में रख के आपको कानून बनाने चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम ना हो नै द लेज द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी सेवन सेज दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री And it shall be the duty of state to apply these in principle in making laws. तो वही बात कही गई है देखो एक तरह से ये जरूरी तो नहीं है इनके ऊपर बाउंडेशन तो है नहीं कि भाई आपको लागू इनको ध्यान में रखना ही रखना है लेकिन ये इनकी मॉरल ड्यूटी है ठीक है जो इनको निभानी चाहिए कि भाई किसी भी लो को बनाते टाइम स्टेट को इन आ, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसबल इन नेचर हेल्प द कॉट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कौसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ अब क्या है ना बेसिक से ये नॉन जस्टिसबल हो ठीक है कि भाई आप इनके थ्रू कोर्ट में नहीं जा सकते लेकिन कई बार कोर्ट है ना किसी भी लोग को जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ये सही है या नहीं संविधान के आधार पे ये लो सही है या नहीं उसको अगर कभी भी चेकआउट करता है तो वहाँ पर देखता है अच्छे से देखता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो रहा हो और इसको बताते टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा गया हो ठीक है वो खुद अपनी मर्जी से देखता है ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके ये कह दो कि नहीं सर इनका वेशन हुआ है तो आप देखिए नहीं वो सिर्फ उस टाइम पे अपनी मर्जी से इन चीज़ों को चेकआउट करता है किसी भी लोग को देखते टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड मैनी टाइम मैनी टाइम दैट इन डिटरमाइिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ ए कोर्ट फाइंड्स दैट लॉ इन क्वेश्चन सिक्स टू इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट मे कंसिडर्ड सच ए ला टू बी रीजनेबल एंड इन रिलेशन टू आर्टिकल फोर्टीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल नाइनटीन के जितने भी छः पार्ट है एंड दट दस सच लॉ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब देखो एक तरह से अगर कोई भी लॉ के अंदर कोई भी कोर्ट देख रहा है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं हुआ अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर उन उसके अंदर उनको देख के अगर उसको बनाया गया है तो एक तरह से वो लो रीज़नेबल है अगर आर्टिकल फोटीन और नाइनटीन का अगर उसने हनन किया है तो उस हिसाब से अगर फिर देखा जाए तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि मतलब इन चीज़ों का सबको देख के चलना चाहिए अब क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है है ना इनको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल सोशलिस्ट की भाई लोगों को एक तरह से सोशल इकोनॉमिक जो भी है जस्टिस मिले है ना सबको इक्वली लिक, रखा लिक, जाए चाहे वो इनकम हो, हो सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फैसिलिटी मिलनी चाहिए जब बात करते गांधीयन की तो यहाँ पे जो गांधी जी के जो विचारधारा पे कुछ उनके विचारधारा पे कुछ कानून को बनाया गया था कि भाई कोई भी नया कानून बनाया जाए तो उसमें ऐसा उनके विचारों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए ठीक है कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आप जो विकसित लोग हो चुके हैं उनके बराबर लाने की क्षमता रखे वो कानून ऐसी लिबरल इंटेलेक्चुअल है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट ठीक है एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकनॉमिक जस्टिस एंड अ सेट पार्ट टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द स्टेट कि भाई सब दो लोगों का उद्धार हो स्टेट के अंदर देश के अंदर रहने वाले का सबको एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले सब इक्वली काम करें है ना टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पीपल बाई सिक्योरिंग अ सोशल और ऑर्डर बाई जस्टिस ठीक है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड टू मिनिमाइज़ इनक्वलिटी इन इनकम स्टेटस कि भाई ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है तो इस तरह की इनक्वल्टीज को ख़त्म करने के लिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के टाइम पे जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है और ये किसके अंडर आता है अंडर आर्टिकल थर्टी एट सेकेंड पार्टी इसका देखते हैं टू सिक्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन कि भाई सबको समान अधिकार आ, मिलने चाहिए अपना जीवन को गुज, आ, गुजारने के लिए ठीक है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो मटेरियल होना चाहिए जितने भी रिसोर्सेज हैं देश के अंदर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी कम्युनिटीज़ के अंदर प्रिवेंशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ रिडक्शन सॉरी यहाँ पे रखा है काफ़ी इसको मैं ठीक कर दूंगा पी के अंदर तो यहाँ पर क्या है ना कि एक ही इंसान के पास ज़्यादा वेल्थ ना इकट्ठी हो जाए इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ना तो यही सब किस में दिया गया है अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस आर्टिकल थर्टी नाइन फिर आर्टिकल थर्ट थर्टी नाइन ए क्या कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर अब कोई गरीब है उसके खिलाफ किसी ने केस कर दिया उसके पास इतना पैसा थोड़ी होगा कि वो एक वकील को हायर कर ले ठीक है उसकी थोड़ी सी इनकम होती है खाने के लाले वैसे ही बड़े रहते हैं दो टाइम का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता होता तो एक तरह से वो वकील तो वकील का खर्चा तो नहीं उठा सकता इस वजह से ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ, राइट बना दिया गया ठीक है जिसके अंदर सबको समान रूप से जस्टिस मिलेगा और उनको फ्री में एक वकील करके दिया जाएगा अगर वो उसको आ, किसी वकील को खुद से करने के लिए सक्षम ना हो तो अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन ए के टू सिक्योर द राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट अंडर आर्टिकल फोर्टी वन कि सबको समान रूप से आ, काम करने का अधिकार हो एजुकेशन का हो ठीक है अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ओल्ड एज पेंशन ये सब आर्टिकल फोर्टी वन के अंडर में आते हैं टू तो सिक्योर ए लिविंग वेज एडिशेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर्स कि भाई सबको एक अच्छे से समा अच्छा जीवन जीने के लिए ठीक है अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिलने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एक दी गई है किसके अंदर हर एक तरह का काम के अंदर कि भाई चाहे वो सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी हो जितने भी वर्कर्स हैं सबको कि उनका जो आ, जो लिविंग वेज है ठीक है जो उनको जीने के लिए कि भाई एक मिनिमम अमाउंट की जो ज़रूरत होती है उसको सिक्योर किया जाए भाई अगर कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, है ना कोई मजदूरी कर रहा है तो एक मिनिमम अमाउंट रख दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आप इससे कम इसको पैसे नहीं दोगे ठीक है ताकि कुछ इतना अमाउंट डिसाइड किया जाता है जिससे उसका पूरे दिन का खर्चा निकल जाए खाने पीने का रहने का इस हिसाब से टू टेक द स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43 ए अब यहाँ पे क्या कहा गया है कोई भी वर्कर्स हैं किसी भी मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है कि उस मैनेजमेंट के अंदर वो भी पार्टिसिपेट करें यहाँ आता आर्टिकल फोर्टी ए के अंदर टू रेज द लेवल ऑफ़ न्यूट्रीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रीवेंट इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ अंडर आर्टिकल 47 सेवन के अंदर यह बोला गया है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारा जाए है ना उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया जाए और उनकी पब्लिक हेल्थ को सही किया जाए तो ये आता है किसके आर्टिकल 47 सेवन में और अब बात करते हैं गांधी प्रिंसिपल्स की दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन गांधीन आइडियोलॉजी मतलब गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एनंशिएशन ठीक है बाई गांधी जी ड्यूरिंग द नेशनल मोमेंट ये जो नेशनल मोमेंट थी उस टाइम पर जो गांधी जी के अपने थॉट्स थे विचार थे उनके बेस पर इन प्रिंसिपल्स के इन आइडियोलॉजी को बनाया गया था इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी जी समिया वर इंक्लूडेड इन दायर डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखो गांधी जी का ड्रीम क्या था सभी लोगों को एक साथ लेके चलना और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको भी उठा के चलना भाई ठीक है उनको सब तरह की अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो बाकी जितना भी अपर सेक्शन के लोग हैं उनके साथ मिल के अपने आगे की ज़िंदगी बढ़ाएं और अच्छे से देश को आगे लेके जाएं तो उन आइडियोलॉजीज़ को आज तक बनाए रखने के लिए ठीक है गांधी प्रिंसिपल्स को डी के अंदर डाला गया सबसे पहला तो क्या टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत देखो विलेज पंचायत का आइडिया सिर्फ और सिर्फ किसका था गांधी जी का था तो इसलिए टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड एंडो एंड देम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अब गांधी जी की एक बात थी कि वो कहते थे कि जो भारत है ना भारत कहाँ पे रहता है गांव के अंदर रहता है तो अगर उनका भारत को आगे लेके चलना है तो आपको सीधी सी बात है गांव के लोगों को पावर देनी पड़ेगी और उसके लिए क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए वो सेल्फ गवर्नमेंट किसके अंडर में आती है अंडर आर्टिकल फोटीन टू प्रमोट द कोटेज इंडस्ट्रीज जो छोटी बहुत इंडस्ट्री होती है छोटे बोटे कॉरपोरेशन होते हैं रूरल एरियाज के अंदर आते हैं तो उनको प्रमोट किया जाए आर्टिकल फोर्टी के अंडर में टू प्रमोट वॉल्ट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि भाई इन सोसाइटीज को आप फुल पावर दीजिए अपने आप से अपने फैसले ले सके ठीक है और प्रोफेशनली मैनेजमेंट कर सके इनका मैनेज कर सके ये किसके अंडर में आता है आर्टिकल फोटी बी के अंदर टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस एंड एस एंड अदर वीकर सैक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट दैम फ्राम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 46 सिक्स कि भाई जो एस सी एस टी और जितने भी वीकर सेक्शन हैं ठीक है थीके? उनकी, उनके उनके अंदर आप एजुकेशन को प्रमोट कीजिए उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रमोट कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिले जॉब में और आगे बढ़ने की मौके मिले ठीक है और उनको सोशल इनजस्टिस से जो उनके साथ भेदभाव होता है ना एक तरह का एक्सप्लोटेशन होता है उनके साथ तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाए उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए यह आता है आर्टिकल फोर्टी सिक्स में टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ अंडर आर्टिकल फोर्टी सेवन कि भाई जो देश के अंदर जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रे, होगी मान लो शराब हो गई है ना शराब और ड्रग्स का सेवन बिल्कुल ख़त्म करवा दिया जाए एक तरह से देखा जाए तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं होने का कुछ स्टेट हैं जहाँ पर आज के दिन शराब नहीं बेची जाती ना ही खरीदी जाती और ऐसा पूरे देश के अंदर लागू करना काफ़ी मुश्किल है इम्पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल कर सकते हैं फिर उससे क्या होगा उससे फिर करप्शन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है लोग ब्लैक में बेचने लग जाएंगे कई लोग नकली बेचने लग जाएंगे काफ़ी बार हमने देखा है कि लोग नकली शराब बेचते और उससे काफ़ी लोग मरते भी बिहार की साइड हो गया मध्य प्रदेश की साइड हो गया यहाँ पे लोग बहुत से काले धंधे करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जाती है और ड्रग्स के बारे में बात करें तो सबको पता है पंजाब का पंजाब के अंदर के क्या हालात रहे हैं पास्ट के अंदर वहाँ पे कितना बुरा हाल रहा है ड्रग्स के मामले में कहा आधे से ज़्यादा यूथ ड्रग्स के नशे में रहता था अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है उस चीज़ में लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता टू प्रोहिबिट द स्लोटर ऑफ गाव कि भाई जो गांव और उनके जो बछड़े हैं उनको जो मार दिया जाता है ठीक है तो उस चीज़ को ख़त्म करना और मेरे ख्याल में ये अकेला काऊ के लिए नहीं होना चाहिए देखो हर एक जीवित जानवर को है ना जीने का अधिकार है चाहे वो कोई सा भी हो गाय हो भैंस हो कुछ भी हो तो ये सब पे समान रूप से लागू होना चाहिए जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हम पे लागू होते हैं तो ऐसे लिए इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम हमारे जब तक काम आ रहे हैं तब तक ठीक है वरना बाद में कटवा दो ये तो गलत बात है तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए तो ये आता है अंडर आर्टिकल 48 एट ये थे गांधीन प्रिंसिपल्स जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उनके ड्रीम्स थे उनको किस में डाला गया था इन यही थे कुछ जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर डाला गया ताकि सरकार को कोई भी पॉलिसी बनाएं तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाएं अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या डाला गया है वो देखते हैं टू सिक्योर फॉर द आल सिटीज़न ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री कि भाई पूरे देश के अंदर समान रूप से कानून लागू हो चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सब पे एक तरह के आ, समान रूप से कानून लागू हो जो कि पॉसिबल कभी नहीं होने का कभी भी नहीं होने का आर्टिकल 44 वैसे देखा जाए तो गोवा के अंदर ये अभी भी लागू है स्टार्टिंग से ही बट पूरे देश के अंदर लागू करना ये बहुत टफ होने वाला है अभी भी जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इस पे बात कर रही थी हरियाणा गवर्नमेंट भी इस पे बात कर रही थी गुजरात गवर्नमेंट भी इसको लागू करने की बात कह रही थी तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ सिक्स ईयर कि भाई जब तक वो छः साल के नहीं हो जाते तब तक उनको चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल फोर्टी फाइव टू ऑर्गेनाइज़ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स अंडर आर्टिकल फोर्टी एट कि भाई जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या फिर पशुपालन है उसको मॉडर्न लाइन्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दिनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कि वाइल्ड लाइफ और जितने भी जंगल हैं उनको और जितना भी इन्वायरमेंट है हमारा उसको इम्प्रूव करके रखा जाए उनको उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए हर तरह की प्रॉब्लम से अंडर आर्टिकल फोर्टी एट ए देखो इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं ये आर्टिकल की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है एक तो फोर्टी एट ए और एक फिफ्टी फिफ्टी वन और फिफ्टी वन ए उनको थोड़ा सा ध्यान रखना टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स जितने भी पुराने स्मारक हैं प्लेसेस हैं ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है जिनका इंटरेस्ट किस से है जिनका लेना देना किस से हिस्ट्री से उनको नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में अपना लिया जाए डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए अंडर आर्टिकल फोर्टी नाइन टू सेपरेट जुडिशरी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करके रखा जाए पब्लिक सर्विसेज के अंदर किसी भी स्टेट में तो यह आता है कि इसमें अंडर आर्टिकल फिफ्टी टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेन्टेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन एंड टू फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ओब्लिशन क्योंकि आपस में पूरे जो आपस में जितने भी देश हैं सबके साथ है ना पीस मेंटेन करके रखना चाहिए ठीक है शांति समझौते बनाए रखने चाहिए जो भी पहले जितने भी समझौते हुए हैं उनको बना के रखना चाहिए जितने भी इंटरनेशनल लॉ है उनकी रिस्पेक्ट करके ठीक है उनके अनुसार Uh, सभी देशों के साथ में अपने रिश्ते अच्छे करके रखने चाहिए ये किस में आता है अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि आर्टी अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड और ये फोर्टी ये सब कवर करने वाले हैं सो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जो भी लास्ट क्लासेज रहेंगी उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी और अगर मैसेज जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम पेज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा ये थी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे